अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास, हम एक्सरसाइज 6.12 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 8 पार्ट करना है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू ए, एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 इजिकल टू ए 4। यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 1 और एक्स को एक ही को रखा। पहले हमने इसका स्केयर लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, दोनों तरफ स्केयर लिया, माइनस 2 इक्वल के उस तरफ जाकर हमारे पास प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें एक्स स्केयर और 1 ओवर एक्स स्केयर की, हमें क्योंकि एक्स 4 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम अगेन स्केयर लेंगे दोनों तरफ। हमारे पास जो पीछे आंसर आया एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का हमने होल स्केयर ले लिया, इजिकल टू ए स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर ले लिया। ये एक्स स्केयर का जब हमने स्केयर लिया तो एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 इसका हमारे पास 2 आ गया। ये ए प्लस बी होल स्केयर, ये ए स्केयर 2 2 4 प्लस बी स्केयर 2 2 4 प्लस 2ab, तो 2 एक वो वाला और एक ये वाला, 2 2 4 ए स्केयर आ गया हमारे पास। तो एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ए 4 प्लस 4 ए स्केयर, 4 में से 2 माइनस करें तो प्लस 2 आ गया। अब ये वाली क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन थी उन्हें हमने कंपेयर करे, जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन थी एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की, ए 4 प्लस 4 ए स्केयर प्लस 2 हमारे पास ए 4 इक्वल आ गया, प्लस 4 ए 4 है इधर का माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारे पास काट गया। 4 ए स्केयर प्लस 2, 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4 ए स्केयर प्लस 1 इजिकल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एलिमिनेट टी हमने करना है, तो हमारे पास फर्स्ट है ए टी स्केयर इजिकल टू एक्स, बी टी क्यूब इजिकल टू वाई। अब यहाँ पे टी क्योंकि हमने एलिमिनेट करना है, टी स्केयर की एक तरफ करा, ये इक्वल आ गया एक्स बाई ए के, टी क्यूब को एक तरफ, वाई बाई बी इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये हम वैल्यू निकाल के पुट भी नहीं कर सकते, तो हम दोनों में टी टी की वैल्यू सेम कर लेंगे। यहाँ पे देखो टी 2 है, यहाँ पे टी 3 है, तो 2 और 3 कल से मिले तो 6 आता है, तो हम यहाँ पे क्यूब लेंगे, दोनों तरफ हम टी का क्यूब ले लेंगे, तो 2 3 6, ये एक्स क्यूब बाई ए क्यूब हो जाएगा जब हम क्यूब लेंगे। तो इसका जब हम इसका हम इस तरफ क्योंकि क्यूब तो है स्केयर ले लेते हैं, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। 3 2 था हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ये वाई स्केयर और बी स्केयर हो जाएगा। देखिए टी क्यूब हमारे पास इक्वल आ गया एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, ये टी 6 आ गया वाई स्केयर बाई बी स्केयर। अब ये दोनों टी 6 और टी 6 की इक्वल है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब इजिकल टू वाई स्केयर बाई बी स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, एक्स क्यूब बी स्केयर इजिकल टू वाई स्केयर ए क्यूब इक्वल आ गया। ये इस तरह भी आंसर ठीक है, नहीं तो उधर लाकर माइनस भी हम कर सकते हैं, तो इक्वल टू 0 का आ जाए, 0 के आ जाएगा अगर ये वाई इधर इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, एक्स माइनस वाई इजिकल टू टी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इजिकल टू 3t स्केयर। एक्स माइनस वाई इजिकल टू टी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस वाई होल स्केयर इजिकल टू 2t का होल स्केयर आ जाएगा। तो ए माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 2 2 4t स्केयर आ जाएगा। टी स्केयर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इस वाली इक्वेशन में से भी हम टी स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आकर 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 3 और 4 को, एक्स ये देखेंगे दोनों टी स्केयर और टी स्केयर बनाए, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy/4 इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई 3, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 3x2 3y2 3 2 6xy 4x2 प्लस 4y2, ये हम इक्वेशन इसी तरह इधर ही रहने देते हैं, 4x2 प्लस 4y2 इस सारी इक्वेशन को उठा के इक्वल किस तरफ ले आते हैं, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा 3x2, ये प्लस और माइनस हो जाएगा 3y2, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 4 में 3 माइनस करें x2 तो 1x2 रहेगा, 4y2 में 3y2 माइनस करें 1y2 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 6 में 3 माइनस करें तो हमारे पास 3 रहेगा। सर यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, तो ये प्लस 6 एक्स वाई रह जाएगा, तो हमारे पास x2 प्लस y2 प्लस 6xy इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू नहीं है, तो टी एलिमिनेट होगा, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.12 कंप्लीट होगी, उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं।